कार में बैठे लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है, और जब दिलचस्पी नहीं है तो निश्चित रूप से बिहार की उपेक्षा कर, वो देश को बनाने वाला नहीं है, देश को तोड़ने वाला है, देश में नफरत फैलाने वाला है। बिहार के साथ तो स्वतैलेपन का व्यवहार हुआ है। केंद्रीय आम बजट 2023-24 पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र में बैठने वालों को बिहार की चिंता नहीं है, इसलिए बिहार के विकास पर ये ध्यान नहीं देते। जो युवा को रोजगार देने की बात कह रहे हैं वो डेंटिंग पेंटिंग करके बात को चला रहे हैं। पहले भी 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, बाद में इसे जुमला बता दिया। लेकिन हम तो जो सवाल खड़ा करते हैं, जो बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए जो हम बात रखते हैं, उसमें भारत सरकार में बैठे लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है, और जब दिलचस्पी नहीं है तो निश्चित रूप से बिहार की उपेक्षा कर। युवाओं की तरफ ज़्यादा इस बजट में ध्यान दिया गया है, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात कही गई है। नहीं, वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बात को चलाएंगे और हमेशा चलाते रहते हैं। जब 2-2 करोड़ नौकरी वो दे रहे थे और उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो कहे तो जुमला था, तो उसी तरह के जो काम वो कर रहे हैं वो तो सब जुमला की तरह बात आगे रख रहे हैं। तो उनका जो काम है वो देश को बनाने वाला नहीं है, देश को तोड़ने वाला है, देश में नफरत फैलाने वाला है, और अब देश में नफरत फैलाने वाले का इतिहास बंद होने वाला है और देश में आपस में मिल्लत प्रेम भाईचारा का इतिहास शुरू होने वाला। वहीं श्रवण कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बताएं कि कौन सा पद उनके लिए फिट रहेगा, कौन सा पद उनको झुंझुना नहीं लगेगा। जितना सम्मान उनको जेडीयू ने दिया है उतना किसी को नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़े नेता है और जिनको उतना सम्मान मिला इस दल में, मैं समझता हूँ कि अभी तक इतना सम्मान शायद किसी नेता को मिलता है। राष्ट्रीय किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष थे तो राष्ट्रीय स्तर का उनको सम्मान दिया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष का पद अगर झुंझुना है तो उनसे ही पूछिए कि कौन सा ऐसा पद है जो झुंझुना नहीं है, पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, जिस पद पर वो जाना चाहते हैं। अगर उनको लगता है, इतने बड़े नेता है, उनको लगता है कि ये सब झुंझुना है, तो झुंझुना का स्वाद कैसे उन्होंने लिया, इसका भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आखिर जो विधान परिषद है, राज्यसभा है, नेता विरोधी दल का पद अगर झुंझुना है तो इस देश में कौन ऐसा पद है जो उनके लायक है, इसका खुलासा उनको करना। इधर बजट पेश होने पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हुआ है, हमारी मांग रही है विशेष राज्य दर्जा की, वो नहीं मिला और केंद्र प्रायोजित योजना का पैसा भी समय पर नहीं मिलता। पिछले बजटों को देखा जाए तो बिहार के साथ तो सौतेलेपन का व्यवहार हुआ है, और जो हमारी मांगे रही हैं विशेष राज्य दर्जा की या जो केंद्र संचालित योजनाएं हैं उसमें जो राशि उन्हें देनी है समय नहीं मिलता, ये बातें तो सभी जानते हैं। और बिहार राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और महागठबंधन सरकार अपने बलबूते पर यथाशक्ति और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ राज्य के विकास में लगा हुआ है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है जिसमें मिडिल क्लास से लेकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अब 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।